हाय, दिस इज मी एसन। हम डुप्लीकेट की स्टेट पढ़ रहे हैं और हम इसको कंटिन्यू करते हैं अलॉन्ग विद द स्केल। स्केल टूल पे आप डबल क्लिक करेंगे, आपके पास में मेन्यू पॉपअप होगा। मुझे 200% के ऊपर अपने आर्ट वर्क को देखना है। स्केल कॉर्नर, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स प्रीव्यू ऑप्शन के साथ चेक है। आई एम जस्ट गोइंग टू हिट ऑन द कॉपी स्टेट। मैं एक कॉपी इसकी बना रहा हूँ। अब मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया है, मॉडिफिकेशन की है। अगर मैं यहीं पे कंट्रोल डी करूंगा तो 200 से 400% की एक कॉपी मेरे सामने आएगी। कंट्रोल डी, कंट्रोल माइनस टू जूम आउट, कंट्रोल डी अगेन 800%, कंट्रोल डी 1600%, कंट्रोल डी 3200%, कंट्रोल डी 6400%, कंट्रोल डी। इसके बाद उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज कर दिया? कि हमारे पास में जो पीछे डार्क ग्रे बॉक्स नजर आ रहा है, ये हमारा वर्किंग एरिया है इलस्ट्रेटर में, पेस्टबोर्ड। इससे आगे मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता अपने किसी भी आर्ट वर्क। सो डुप्लीकेट क्या करता है? आपके किए हुए एक्शन को रिपीट करता है, चाहे वो मूवमेंट ही टर्म में हो, चाहे वो कॉपी की टर्म में हो, चाहे वो कॉपी एंड स्केल की टर्म में हो। कंट्रोल डी आपके किए हुए एक्शन को रिपीट करता है। थैंक यू।